प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने लास्ट कक्षा के अंतर्गत बात की थी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड्स, इसके बारे में हमने देखा था। और साथ साथ में देखा था कि ध्रुवीय क्षेत्रों में और विश्व उत्तरेखीय सघन वनों में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में, समशीतोष्ण घास के मैदानों में, दुर्गम और पठारी पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार से कौन कौन सी जातियाँ वितरित हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ हमने डिस्कस की थी। ये लास्ट कक्षा की बात है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों में चार जनजातियाँ, एस्किमोज, बुशमैन, भेल और गॉड। इनका हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, इन चार जनजातियों का। और एस्किमोज जनजाति का अर्थ क्या था, कहाँ रहते थे, किस क्षेत्र के निवासी हैं, इसके बारे में हमने देखा था। अब हम एस्किमोज जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करेंगे, कौन कौन से निवास क्षेत्र हैं। एस्किमो जनजाति, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो निवास क्षेत्र के अंतर्गत हमें पता है कि ये आर्कटिक प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं। आर्कटिक प्रदेश का मतलब एशिया का क्षेत्र है। ये यहां मैं बात कर रहा हूं उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यूएसए। वर्ल्ड के मैप में आपको यूएसए, फिर इसके बाद में यहां पर अफ्रीका और ये एशिया, मैं इसको बैक साइड में लिख रहा हूं। देखिए, यहां का क्षेत्र है अलास्का, कनाडा क्षेत्र। फिर हम बात करते हैं यहां पर ग्रीनलैंड, और यहां हम बात करते हैं साइबेरियाई क्षेत्र की। तो आर्कटिक क्षेत्र हैं वो, आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक वर्त जानते हैं हम, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के एरिए को आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। और यही ध्रुवीय क्षेत्र एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहलाता। और इस क्षेत्र के अंतर्गत साइबेरिया, अलास्का और ग्रीनलैंड, ये चार प्रमुख क्षेत्र हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में इस जनजाति को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। जैसे हम बात करेंगे कनाडा की व ग्रीनलैंड, इस क्षेत्र में इसको एस्किमो के नाम से जानते हैं। वही मैं बात करूं उत्तरी साइबेरिया की, उत्तरी साइबेरिया में इसी जनजाति को लैप्स के नाम से जानते हैं। और वही मैं बात करूं कि स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेविया में लैप्स के नाम से जानते हैं, उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में इनको स्मोइड्स स्मोइड्स चकची तुंग आदि नाम से जानते हैं एस्किमो लोगों को। और इनके निवास क्षेत्र हमें पता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो तापमान है वो तापमान कैसा पाया जाता है, निम्न
तापमान पाया जाता है। यहाँ पर बर्फीली बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ की इस प्रकार जलवायु देखें तो किस प्रकार की जलवायु मिलेगी? कठोर जलवायु मिलेगी। इस कठोर जलवायु में भी ये अपने आप को समायोजित करते रहते हैं, और इस कठोर जलवायु में ऋतु की बात करेंगे तो ऋतु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, दो ऋतुएं डिस्कस करेंगे। शीत ऋतु, शीत ऋतु यहाँ पर अधिक समय तक पाई जाती हैं, और जो ग्रीष्म ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर कम समय तक, या इसको हम कह सकते हैं छोटी ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। शीत ऋतु अधिक समय तक है तो यहाँ का तापमान लगभग कितना बना रहता है? लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। और ग्रीष्म ऋतु कुछ समय के लिए प्रतीत होती है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि कुछ वनस्पति हमें स्पष्ट होती हैं। वो वनस्पति कौन कौन सी हैं? जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय में वनस्पति मिलती है सेवाल, काई, लाइकन, ये वनस्पतियाँ हमें दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ में रंग बिरंगे फूल भी हमें दिखाई देते हैं ग्रीष्म ऋतु। ये है ग्रीष्म ऋतु में कुछ वनस्पति जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद वनस्पति के बाद हम बात करेंगे, इसके प्राणी जात की बात करेंगे। तो प्राणी जात के अंतर्गत देखिए ध्रुवीय भालू, खरगोश, कस्तूरी मरग हिरण जैसे, और लोमड़ी, कुत्ते वगैरह, ये सारे के सारे प्राणी जात है। यहाँ पर एक स्पेशल प्राणी पाया जाता है, कौन सा? कैरी बाऊ, जिसको क्या कहा जाता है? रेंडियर कहा जाता है। ये कुछ प्राणी जात इन क्षेत्रों में पाई जाते हैं। इसके बाद में समुद्री क्षेत्रों की बात करें तो समुद्री क्षेत्रों में कुछ मछलियां पाई जाती हैं, जैसे सील मछलियां, वहेल मछली और वालरस, ये कुछ मछलियां हैं। वालरस को सी लोयन कहा जाता है, ये कुछ मछलियां पाई जाती। तो इसके निवास क्षेत्र में हमने इसके जलवायु के बारे में देखा, इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों के बारे में देखा, वनस्पति के बारे में देखा, प्राणियों के बारे में देखा। तो ये इसके निवास क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके आर्थिक क्रियाकलाप। एस्किमो जनजाति के द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, उस आर्थिक क्रियाकलाप में क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्थिक क्रियाकलाप में अखेट, अखेट एस्किमो जनजाति का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, और अखेट का अर्थ होता है शिकार करना। ये इन प्राणियों का शिकार करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए भरण पोषण करते हैं।
तो शिकार के अंतर्गत, इस अखेट के अंतर्गत दो प्रकार के अखेट हमें मिलते हैं। पहला शीतकालीन अखेट, दूसरा मिलता है हमें बसंतकालीन अखेट। ये दो प्रकार के अखेट हमें देखने को मिलते हैं और दोनों अखेट के अंतर्गत देखो ये सीजनल है, ऋतु के अकॉर्डिंग है। अखेट के अंतर्गत हमें शीतकालीन अखेट, इसके अंतर्गत माउथ पाक और इतुर पाक, ये अखेट करने की दो विधियों का वर्णन मिलता है। बसंतकालीन अखेट की बात करेंगे, एक विधि का वर्णन आता है उतोक। ये विधियां क्या है इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्रियाकलाप होता है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से अखेट किया जाता है। माउपाक, माउपाक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतीक्षा करना। कई बार पूछा जा सकता है कि माउपाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। माउपाक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, प्रतीक्षा करना। और माउपाक विधि है क्या, देखिए माउपाक विधि में बर्फ से आच्छादित एक क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या होता है, समुद्र के ऊपर की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, वो बर्फ से ढकी हुई होती है और उस तह में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्रों में क्या करते हैं ये एस्किमोज लोग, उस छिद्रों में इस प्रकार से एक छड़ी लगाते हैं, उस छड़ी में एक हड्डी रखते हैं, उस छड़ी से एक हड्डी को इस छिद्र के बिल्कुल सामने लटका देते हैं और लटकाने के बाद में जैसे ही मछली बाहर की ओर आती है, जैसे ही मछली बाहर की ओर आती है और इस हड्डी को टच करती हैं तो ये छड़ हिल जाती हैं। तो यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति इसको देखता रहता है, जैसे ही छड़ हिलती हैं ये व्यक्ति इस पर प्रहार करता है, इसका शिकार करता है और शिकार करने के बाद में इसको भोजन या ईंधन के रूप में उपयोग में लेता। ये हो गई आपकी माउपाक विधि। दूसरी की बात करें इतुरपाक। इतुरपाक विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत भी क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, लेकिन इसमें छिद्र होते हैं दो, एक छिद्र और ये हो गया दूसरा। अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति बैठा है और यहां पर दूसरा व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति क्या करेगा, इस छिद्र में चारा डालेगा। क्या डालेगा, चारा डालेगा। इस छिद्र में बैठा हुआ व्यक्ति, इस छिद्र के बिल्कुल पास में बैठा हुआ व्यक्ति इसमें चारा डालेगा, जैसे चारा डालेगा मछली ऊपर की ओर आएगी। मछली ऊपर की ओर आएगी तो यहां पर दूसरा व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने भाले से प्रहार करेगा, इसका शिकार करेगा, इस मछली का। इस विधि को किस नाम से जानते हैं, इतुरपाक के नाम से जानते हैं। सील मछली का शीतकाल के अंतर्गत सील मछली का एसिकमो लोग शिकार करते हैं और ये सील मछली सिर्फ भोजन के लिए ही नहीं, बल्कि प्लस में क्या है, ईंधन के रूप में भी काम में ली जाती है। देखिए यहाँ पर इतनी कठोर जलवायु है, निम्न तापमान है, तो
बॉडी के जो हमारा शरीर हैं उसके तापमान को मेंटेन करने के लिए ये ईंधन जलाते हैं। उस ईंधन को जलाने के लिए ये क्या प्रयोग में लेते हैं? सील मछली की चर्बी का उपयोग लेते हैं। क्या होता है कि सील मछली की जो चर्बी है उसको जलाने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि वो अन्य ईंधनों की अपेक्षा मतलब अधिक समय तक जलती हैं और ऊष्मा भी अधिक देती है, तो इसलिए ईंधन के रूप में भी सील मछली की चर्बी उपयोग में लेते हैं। इसके बाद में बसंत कालीन अखेट की बात करते हैं तो क्या होता है, उत्तोक विधि हमारे सामने आती है। उत्तोक विधि के अंतर्गत क्या होता है कि मार्च का महीना है बसंत कालीन, मार्च के महीने से शुरू हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए इसके अंतर्गत इस प्रकार के छिद्र होते हैं, छिद्रों की बात की हैं, मछली बाहर आती हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पर ये ठहर जाती है। ये जो मछली है उस समय के लिए इन छिद्रों में ठहर जाती है। क्यों ठहर जाती है? क्योंकि ये मछलियाँ धूप सेकने के लिए बाहर आने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए ये धूप सेकने के लिए रहती हैं, तो उसी समय क्या करती हैं, ये एस्किमोज लोग इसका शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, उत्तोक विधि कहते हैं। ये खुले क्षेत्रों में भी होती हैं, जैसे जहाँ पर ऊपरी सतह पर कोई बर्फ की सतह नहीं है तो भी ये, जैसे खुला समुंदर होता है वहाँ पर मछलियाँ थोड़ी ऊपर दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वो धूप सेकने के लिए आती है, तो उसी समय नाव के द्वारा ये उसका शिकार कर लेते हैं। इनके पास में जो नाव होती है वो नाव होती है चमड़े की, शिकार या आखेड़ करने के लिए चमड़े की नाव को उपयोग में लेते हैं। और इस नाव को किस नाम से जानते हैं? कयाक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कयाक के नाम से जाना जाता है। और ये केरीबो नाम आता है। एक मैंने कहा केरीबाऊ, ये है रेंडियर, याद रखना। एक कैरीबो, ये है बहरा सिंह, इसका भी शिकार करते हैं ये। इसके अलावा कुछ अन्य प्राणी हैं छोटे छोटे जिनका भी शिकार करते हैं एस्किमो लोग। और ये जो शिकार करते हैं तो शिकार के बाद में जो अवशेष बचते हैं प्राणी के, उस अवशेष से जैसे सील मछली की बात करें तो चमड़े का प्रयोग करते हैं, घर बनाने का भी प्रयोग में लेते हैं उस सील मछली के, तंबू बनाने के लिए भी, जूते बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों को अन्य अन्य रूपों में उपयोग में लेते हैं। तो ये था हमारा अखेट से संबंधित। अब हम भोजन की बात करें इसके, कि इसका भोजन क्या है। आर्थिक क्रियाकलाप में अखेट की बात की है, अब हम बात करेंगे भोजन। ये भोजन किस प्रकार से करते हैं? भोजन के अंतर्गत आपको पता है कि ये क्या खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। अखेट के द्वारा जो शिकार किया है, चाहे सील मछली है चाहे व्हेल है, तो उसका ये कच्चा मांस खाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वस्त्र की। वस्त्र के अंतर्गत क्या दे रखा है? वस्त्र के अंतर्गत ये जो वस्त्र पहनते हैं स्त्री और पुरुष दोनों लगभग समान रूप से वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो स्त्रियां क्या करती हैं, वस्त्र बनाने का कार्य करती है। ये क्या करते हैं, जर्सी नुमा बाहेदार,
बाहेदार जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? इस वस्त्र को तिमियाक कहा जाता है, तिमियाक कहा जाता है। और इस तिमियाक के ऊपर एक वस्त्र और पहना जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अनोहाक का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? अनोहाक का नाम दिया जाता है। और मछली की खाल से क्या बनाते हैं? जूते बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूते बनाते हैं। और इन जूतों को क्या कहते हैं? इन जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कार्मिक या मुकलुक्स नाम दिया जाता है। ये इनके वस्त्रों की बात हो गई। अब इसके यंत्र व उपकरण की बात करें। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत यंत्र व उपकरण की बात करें तो कौन कौन से यंत्र ये उपयोग में लेते हैं? यंत्र व उपकरण, यंत्र व उपकरण में कयाक नाम आता है। कयाक, जो हमने बात की है कि ये एक चमड़े की नाव होती है जो लगभग 5 मीटर लंबी होती है। ये शिकार के दौरान इसको काम में लगते हैं। फिर आता है उमियाक। उमियाक क्या होता है? इससे बड़ी नाव होती है। इस कयाक से बड़ी नाव होती है जिसका उपयोग व्हेल मछली के शिकार के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हार्पून। हार्पून क्या होता है? हार्पून एक भालानुमा यंत्र होता है जिसका उपयोग सील मछली के शिकार के लिए किया जाता है। लगभग 1.5 मीटर या 1.5 फुट के आसपास में इसकी लंबाई होती है। और इसके बाद में एक यंत्र और है, स्लेज गाड़ी। ये स्लेज गाड़ी क्या करते हैं? परिवहन के लिए ये स्लेज गाड़ी का उपयोग लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के। और इन गाड़ियों को कौन खींचता है? रेंडियर व कुत्ते खींचते हैं, ध्रुवीय कुत्ते। और ये गाड़ी पहिए विहीन होती हैं, इनके कोई पहिए नहीं होते हैं, एक बिल्कुल सपाट सी होती हैं जिसको रेंडियर व कुत्ते खींचते हैं। तो ये शिकार के दौरान इसको काम में लेते हैं। तो ये हमने देखा इसके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में और निवास क्षेत्र के बारे में। तो लगातार आप नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को देखिए, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी डिस्कस कीजिए, ताकि हम उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।